Pero eso es lo que hay. क्या हुआ? मजा आ गया आज तो. क्यों? पहली बार जरूरी हूँ कुत्ते पीछे पड़ गया हमारे और मांगे नजर पड़ा. पांच को. तो आज हम भ्रमण पे निकले हैं क्योंकि स्नो हो गई है. देखो ये हम अपने ही मोहल्ले में आसपास घूम रहे हैं. पूरा पैक होके आए ताकि स्नो जो है हमारा बाल भी बाका ना कर पाए. और ये देखो पेड़ों में. गाइज वेलकम बैक टू दिस स्नो वाले सीजन में जहाँ पर हमारा जो टाउन है हमें ऐसा लगता है स्नो टाउन बन चुका है. यार अब तो रेगुलर स्नो हो रही है क्योंकि हर कभी स्नो होती है और स्नो देख के हम इंडियंस लाइक मेरे जैसे इंडियंस हमको ऐसा लगता है कि बाहर जाओ भाई फोटो वीडियोज लो. इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं और आज हम ढूंढने वाले हैं एक गाँव जहाँ पर लाइक स्नो गाँव जहाँ पर स्नो स्नो हो. तो मैंने दीपक को बोला है कि यहाँ पास में गाँव है चलो. तब तक के लिए आपका स्वागत है और आप लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो. और अब हम वहीं जाके आपको बताते हैं वाइट वर्ल्ड. चलो दीपा शहर पे शहर स्नो शहर पे अपनी गाड़ी जो है वो उसमें रखते हैं शेड्स में. तो हमें वो वाला प्रॉब्लम नहीं है जो गाड़ी में जो ऊपर स्नो जम जाता है और पहले उसे निकालो और उसके बाद जाओ है ना दीपा. हाँ यार वरना देखने गाड़ियों की गाड़ियों की हालत बहुत बेकार है. इतना इतना स्नो जमा हुआ है. थैंकफुली हम लोग जो हैं वो शेड में रखते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं है बिकॉज हमने गाड़ी निकाली और निकल गई. सोच रहे हो कि हम कहीं दूर आए हैं ऐसे नज़ारे देखने तो नहीं. आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो क्योंकि हम सिर्फ 5 मिनट ड्राइव करके ही इस जगह पर आए हैं और ये एक गांव है जिसमें से निकल रहे हैं और ये बहुत सुंदर हो रखा है. सीरियसली बहुत सुंदर हो रखा है. वहाँ पर जाएंगे ट्रैक्टर के ऊपर देखते हैं. बहुत सारे लोग रनिंग कर रहे हैं वॉकिंग कर रहे हैं तो हम भी जाते हैं. टिपिकल गांव वहां पर होते हैं घोड़े के अस्तपल. ये देखो हम लोग एक ऐसी ही गली में घुस गए जहां सबसे ज़्यादा स्नो दिख रही थी और वहां देखो पीछे घोड़े ही घोड़े दिख रहे हैं. मतलब ये इंडिया में ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है पर यहां बहुत ही आम है. घोड़ों को ठंड नहीं लगती? ऐसे तो खड़े. You can't control it. You make me feel something more stronger. Something that I may never forget. I just want this to be longer, longer, yeah, longer. Wait. क्या हुआ? मजा आ गया आज तो. क्यों? पहली बार जरूरी हूँ कुत्ते पीछे पड़ गए हमारे और मांगे नजर पड़ा. 5 कुत्ते. यहाँ एक फार्म है उनके शायद कुत्ते हैं. हाँ. लेकिन उन्होंने सबके मुंह पे वो लगा के रखा हुआ है कवर की. पर हमें डर लग गया यार बहुत भारी भरकम सा कुत्ता. इधर ही थे. हाँ, ये ओपन एरिया है. भाग लो. हम लोग तो वहां से आ ही गए. हमने कहा भागो भैया दौड़ लगाओ. सीन ले लेना था. पर हम एग्जैक्टली हैं कहाँ पर पता नहीं. हाँ पता नहीं.
आसपास ही हैं अपने अपनी सिटी के। हाँ, वहाँ से तो पास पे हैं। थोड़ा ट्रैक एरिया पे आए हुए हैं ताकि वहाँ से और अच्छा दिखे और हमारी भी थोड़ी वॉकिंग हो जाएगी। छुट्टियाँ चल रही हैं तो विंटर वॉक हाँ, घर में ही रहते हैं तो इससे बेटर है कि थोड़ा देखो पीछे वो देखो रनिंग कर रहे हैं लोग। हाँ, लोग रनिंग कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी बात है जर्मनी की या यूरोप में सब जगह की, मौसम चाहे कुछ भी हो, लोग जो अपना वर्कआउट है वो करना नहीं छोड़ते हैं। जिम्स बंद है लेकिन तब भी लोग अपना वर्कआउट कर रहे हैं। क्लीन स्पॉट है ना। और थोड़ा ना जब स्नो हो जाती है तो थोड़ा थोड़ा संभल के चलना पड़ता है, अदरवाइज फिसलने के चांसेस होते हैं ज्यादा। इंडस्ट्री एरिया है, ये पूरा इंडस्ट्री है यहाँ पर। तो गाइस अभी हम चलते चलते ऐसी जगह आ गए हैं जो किसी की भी ड्रीम जगह जैसी होगी। ऑफ कोर्स आपने सिर्फ स्विट्जरलैंड के बारे में ही सुना होगा कि स्विट्जरलैंड में स्नो होती है, स्विट्जरलैंड ड्रीमी है, स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा है, बट नहीं, जर्मनी भी ऐसा है। जिस एरिया में हम लोग रहते हैं वो तो बिल्कुल ऐसा है। अब आप देखो ये स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, हमने स्विट्जरलैंड भी देखा है और स्विट्जरलैंड भी ऐसा ही लगता है स्नो के टाइम पे, और ये जगह भी इतनी अच्छी लगती है। सबसे अच्छी बात कोई भी नहीं दिख रहा है क्योंकि आज संडे है और ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। यस, आपने सही सुना है, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री है, बहुत सारी कंपनीज हैं इस गाँव में, और हम लोग पता नहीं किसी तो फार्म में घुसे हुए हैं जो कि स्नो से ढका हुआ है। तो गाइस आज हम लोग फिर से स्नो के मजे लेने आए। हमने सोचा कि आज हम यूं ही घूमने आए थे तो आप लोगों को भी साथ में लेके आए। तो हम लोग चलते चलते उस गांव में पहुंच चुके हैं जहां पर हम आपको पहले भी ला चुके हैं, और मैं अभी आपको थोड़े से कुछ सेकंड में बताऊंगी। जब यहां गर्मी होती है तो यहां का जो सनसेट और सनराइज है वो बहुत अमेजिंग दिखता है। पहाड़ भी नहीं दिख रहे, पीछे पहाड़ है। चलो हम उस घर की तरफ जाने वाले हैं क्योंकि मुझे वो घर जो है वो फेरी टाउन में जो घर होते थे स्नो से डूबे हुए वैसे लगते हैं, तो मैंने सोचा चलो चल के देखते हैं एक्चुअल में कैसा है। पहले हम उधर से जा रहे थे तो वहाँ क्या था सुरभि? कुत्ते थे हमारे पीछे, बहुत बड़े बड़े कुत्ते पड़ गए थे। तो दीपक ने बोला भाई यहाँ से ना जा पाएंगे, इसको बहुत डर लग गया। एंड दीपक सुरभि को बिल्कुल डर नहीं लगा, सुरभि बहुत दिलेर है, हवा खिसक गई थी हमारी। काफ़ी समय यहाँ बिता के और अपने हाथ पैर सब जमवा के ऐसा फील आ रहा है जब फ्रिज के अंदर बहुत देर तक हाथ रख दो और जो जम जाता है वैसा। तो अब हम लोग जाते हैं, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और मैंने एक मैजिकल इफेक्ट देने के लिए ये करने की कोशिश करी पर इस पेड़ में से आइस मतलब जो स्नो है वो गिर ही नहीं रहा। पीछे वाली डंडी से हिला वो एक और तेरे पीछे जो है उसको ऐसे देख, ऐसे 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 हिलाना बस पकड़ के। इट्स सो
ओके, बट वीडियो आपको होपफुली अच्छा लगा हो, आपको जर्मनी की स्नो देखने को मिला हो और जर्मनी में भी स्नो जो है वो बहुत कॉमन है ये पता चला हो, तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकन और शेयर शेयर शेयर, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और किसी बहुत अच्छे वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर. बाहर जन्नत है मानते हैं, लेकिन अंदर घुसने गाड़ी में बैठ कर सुकून.